अखिया में चमकत मर दे कैसे वीडियो बनाई। ओके सूरज भगवान तनि कमकबा हो डी मोजा इतना मार फोकस मत ले हुआ। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, अभी हम आए हुए हैं घर पर, और घर पर एक्चुअली इसलिए आए हुए हैं क्योंकि पापा हमारे धोखा दे दिए हैं। कल पापा फोन किए अचानक से, कह रहे बेटा कहाँ हो, हम कहे बनारस में, कह रहे भाग के जल्दी घर आ जाओ। हम बोले क्या हो गया, कह रहे तुमको देखने के लिए लड़की वाले आए हैं, साथ में खूबसूरत सी लड़की का फोटो भी लेके आए। अब साला हमको भी रहा न गया, हम भी भाग के आ गए ट्रेन पकड़ के। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है हमारे साथ धोखा हो गया, यहाँ कोई लड़की उड़की नहीं है। पापा कह रहे हैं चलो भूसा रखवाना है और खेत में बिया डलवाना है। हम कह अरे पापा ये तो बहुत गलत बात है, आप धोखा कर दिया, हमारी भावनाओं के साथ खेले आप, आई हेट यू। खैर छोड़िए, तो पापा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, अभी हम आए हुए हैं गांव पर, और गांव पर एक्चुअली अभी खेत में काम चल रहा है। देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं वो खेत है, और खेत में हमारे बिया डला रहा है, और तो रहना ज़रूरी होता है खेत में। एक्चुअली आज मैं आपको खेती के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा, और क्या कैसे क्या होता है, शुरुआती जो क्षण होते हैं वो सारा चीज़ आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत से नवाब के वो होंगे, नवाबी होंगे, जिनको पता नहीं होगा कि खेती की गृहस्थी होता कैसे, क्या होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए, पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे कि एकदम फसल उगा दें, लेकिन शुरुआती क्षण आपको ज़रूर बता सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं, अभी हम खेत में हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे खेत हैं, ठीक है। और ये हमारी बाइक है, ये देखिए हमारी बहुत ही पर्सनल बाइक है, आई लव हीरो होंडा, ये हमारी बसंती। तो ये हीरो बाइक है, क्योंकि गांव घर में अगर कोई गाड़ी सक्सेस हो, यही गाड़ी सक्सेस है। इस पर खाद बिया बोझा कुल लोड करके ढोइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रेश चलती है। अब बाकी जो ना वो KTM और ड्यूक पे बैठते हो ना, ऐसे तीन तल्ला पैसे पिछवा वाला तो ऐसे बैठता है, जब तीन तल्ला बैठी ऐसे उठा के, तो वो सब गाड़ी यहाँ सक्सेस ही नहीं होगा। अनु यहाँ कोई जल्दी पसंद करता है गाँव घर में। तो अभी हम लोग डाई लेके आए हैं, अभी मार्केट से, अभी गए थे मार्केट, और मार्केट से डाई का बोरा लेके आए हुए हैं हम लोग, और अभी डाई मराएगा, उसके बाद बिया भी मराएगा। बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे एक अलग वीडियो में। इस वीडियो में बस आपको नॉर्मल बता देते हैं। देखिए, जो पहला जो क्षण होता है खेती का ना, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको जो आपका बड़ा सा जो खेत होता है, उसमें छोटा सा एक क्यारी बनाई जाती है। क्यारी आप देख सकते हैं, ये क्यारी है, और छोटा सा क्यारी बनाने के बाद इसमें पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है, ताकि जो है आप बढ़िया से मतलब खेत को सींच सकें। तो छोटा सा क्यारी बनाकर, देख रहे हैं आप, जैसे खेत बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा सा लाठ मार के क्यारी बनाई जाती है, उसमें ये जो नहर है उससे पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद इसका जुताई किया जाता है, जुताई करना के बाद फिर इसमें बिया डलाता है। अब बिया डलाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा खाद डलाएगा, उसके बाद जब बिया छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा, मतलब एक एक हाथ का इतना लंबा लंबा, तब जाकर उसको उसमें से कबाड़ा जाता है। कबाड़ने के बाद ये जो बड़ा सा खेत है आप देख रहे हैं, फिर इसमें रोपनी होता है, यानी कि लगाया जाता है। रोपनी उपनी का समझ पाए तो अनुकूल, लेकिन ठीक है, जो गाँव घर से वो समझा तो ही। तो फिर उस बड़े से खेत में लगाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जो आपको, जैसे देखिए आपको हम आगे चल के दिखाते हैं, वो देखिए आगे एक ट्रैक्टर होगा, वो जुताई कर रहा है खेत की। देखिए बड़े भाई हमारे खेत में जो है लाठ मार रहे हैं, लाठ नहीं होता है, जैसे छोटा सा क्यारी बनाई जाता है, जैसे कि आपको हम बताए हैं, क्यारी बनाकर उसमें पानी भरा जाता है, और उसको मतलब बढ़िया से बांध रहे हैं ताकि ये टूट ना जाएगा, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो पानी सब बाहर आ जाएगा ना, तो बर्बाद हो जाएगा मेहनत, इसीलिए बढ़िया उसको थोड़ा मजबूत बांधा जाता है ताकि उसमें पानी ठहरे। गांव घर में आइए ना, तो आपको बहुत अलग अलग यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा, जिसे आपको बचपन की यादें हम ताज़ा कर देंगे। आप ये देखिए, इसको पहचानते हैं, ये क्या है, इसको हम लोग शंख भी बोलते हैं, हालांकि शंख असली शंख नहीं होता है, क्योंकि असली शंख जो मिलता है वो पता नहीं गया साइड मिलता है वहाँ से, ये थोड़ा सा नकली शंख है, तो इसको हम लोग बजाते थे, इसमें कोई जानवर रहता है, इसको निकालना पड़ता है, निकालें नहीं। ये देखिए लग रहा है मर गया है, खाली हो गया है ये, पंडित जी बजाते हैं पौ पौ करके, तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं। तो ये जानते हो दोस्त, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती हैं ना गांव घर में, वो लाठ के लिए होती हैं। लाठ मतलब समझते हो, जो लाठ होता है
जो खेत में आप लाट देखने बना होता है, जो एक खेत को दूसरे खेत से अलग करता है, उसके लोग के होती हैं। क्योंकि होता क्या ना, जो पहले के जो लाट होते थे बहुत बड़े मजबूत होते थे, चौड़ा चौड़ा लाट होते थे, तो लोग उस पर आराम से आसानी से जा सकते थे। और आज का आदमी लाट काट काट के, मेड़ काट काट के इतना पतला कर दिया है कि उस पर साला चलने के लिए आपको मॉडलिंग करना पड़ेगा। भाई साहब आप ये देखिए, ये लाट देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना पतला ये लोग कर दिए हैं कि अब इस पर चलने के लिए साला सेक्सी कमर जिस तरीके से चलना पड़ेगा मॉडलिंग करके। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब भैया हम तो यही कहते हैं कि तनकी से लाट काट के कितना आप खेत बढ़ा लीजिएगा मालिक, ये सब नहीं करना चाहिए। पर गांव के लोगों की सोच बहुत छोटी होती जा रही है। खैर क्या कर सकते हैं, चलिए आपको और आगे दिखाते हैं। और ये हो रही है खेत की जुताई, आप देख सकते हैं खेत की जुताई हो रही है। पानी भर गया ना, पानी भरने के बाद खेत की जुताई होती है। जुताई करने के बाद आगे का काम जो है बिया डालना वगैरह होगा। संजय भी अपना खेत का जुताई कर रहे हैं। एकदम एकदम भैया, भैया भी कह रहे हैं कि खेत का जुताई पूरा वीडियो बना लें। कांच का पेड़ हो भैया, खैचा? अच्छा, खाद बनी? अच्छा जैविक खाद। ओहो, तो आप देख सकते हैं पहले जो आप आर्टिफिशियल खाद का प्रयोग होता था, अभी जैविक खाद का प्रयोग हो रहा है। गैचा तैचा कुछ बोलते हैं इसको, और बहुत ही मजबूत खाद होता है, मतलब बहुत। अच्छा तो पा जाएगा? हाँ हाँ अच्छा हाँ, ये खाद बन जाएगी। गांव के लोग भी जैविक खाद तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब धीरे धीरे गांव भी विकसित हो रहा है। इधर खेत का जुताई उताई कर रहे हैं भैया, एकदम एक नंबर। लेवलिंग भी कर रहे हैं साथ में। और इसको आप जानते ही होंगे, इसको बंधा बोलते हैं, एक छोटा सा जो मेड़ बोलते हैं, मेड़ बांध के जो बड़े से जो जो नहर होती है उसमें छोटे छोटे नहर पास किए जाते हैं ताकि खेत में भी जो पानी को पहुंचाया जा सके। तो ये छोटे छोटे बंधे होते हैं जिसपे खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। आपको हम बड़ा सा एक वो दिखाते हैं, जो नहर होती है उसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो थोड़ा बड़ी सी नहर है, बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी सी है, पर काम चलाऊ नहर है। और इससे बड़ी नहर एक उधर हमको आगे मिलेगी, जो मेन रास्ता जो है वहाँ पे है। तो ये गांव के लिए नहर निकली है, और इसमें से फिर खेत के लिए नहर निकलता है। भागु गिरी ना रे, परवर और तंदोली बढ़िया थे, इसमें नहाते थे हम लोग पहले। अब तो मैं भी थोड़ा शहरी बाबू बन गया हूँ, पहले गांव कहीं था। ये खेत है, हालांकि सब विकास हो गया पर मेरे गांव का रोड अभी तक नहीं बना। योगी जी कुछ तो करिए, बताइए उत्तर प्रदेश में मेरा गांव कितना पीछे रहेगा। तो ये है डाई जो अभी खेत में फेंकना है। जैसे क्या होता है, एक बीघा खेत में 50 किलो डाई फेंकाता है, तो उसके हिसाब से अलग किया जा रहा है। और यहाँ पर मजदूर के द्वारा डाई फेंका रहा है, देख सकते हैं आप फेंकत हूँ। और इतना धीरे धीरे, इतना लेट फेंकता ना कि चचा खुदे लेके लगला फेंके। मतलब आजकल मजदूर भी सब इतने आलसी हो गए हैं कि इनको बस पैसा चाहिए होता है, खड़ा होकर मुँह ताकत रही है बस, सब कुछ ना पैसा ले आज देखकर खड़ा हुए हैं। अरे मालिक कहाँ कहीं जाब हम लिखे। ये देख रहे हैं खेत की जुताई हो रही है। खेत की जुताई करने का भी एक प्रोसेस होता है, एक सही ढंग से जुताई किया जाता है। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जानकारी होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक लेवल गोल में ऐसे जुताई किया जाता है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे कहीं जाऊँ बस हर लगा के चला दिए, वही एक तरीके से जुताई होता है। जुताई करने के बाद इसका लेवलिंग होगा बढ़िया से बाकायदा। और इसमें देखिए साथ में डाई भी छिटा रहा है ताकि उसी में बैठ जाए, मिक्स हो जाए खेत में, थोड़ा उपजाऊ हो जाए। तो यही प्रोसेस है, उसके बाद फिर जो बिया वगैरह जब बड़ा हो जाता है तो फिर बड़े से खेत में डाला जाता है। और यही प्रोसेस है, फिलहाल अभी चलेंगे घर के लिए क्योंकि बहुत तेज लगी है। तो अभी जा रहे हैं घर, और घर चल के आपको वीडियो दिखा। बांगा मिली।
तो फिलहाल देखिए अभी हम आ गए घर पर और अब हम जा रहे हैं घर पर, भूख लगी है तो खाना वगैरह खाने के लिए। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। और मेरी मम्मी वहाँ बैठी हुई है, वो बिया फटक रही है, मतलब जो खेत में जो बिया वगैरह डालना होता है ना तो उसको बना रही है, तो अभी बिया डलाएगा खेत में। तो इस वीडियो का ही एंड करते हैं, बाकी ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मज़ा लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।